पुलिस का मामला ये बना कि वो हाथापाई पे उतर आए थे, उसके साथ चार पांच जने थे, वो हाथापाई पे उतर आए थे। एक लड़के को ये इसका गलेबान पकड़ा, इसको ये देख लो इसका फटा हुआ, एक लड़की का गलेबान पकड़ के धक्का दिया। आप लोग रोक रहे थे तो ये हाथापाई किसने शुरू करी? सर एक तो पहले बात ये है कि अगर आपको वॉशरूम बनवाना ही है, वो बताया था वॉशरूम उस पार में बना हुआ है, उसकी साफ सफाई में कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो गंदा है तो गंदा है। अब अगर वहाँ आप ठीक ठाक से कुछ नहीं कर सकते, अब इसको इधर बनाने का फायदा क्या आपका? फिर अगर झुग्गी तुड़वाने का मकसद है आपका, तो जो कहते हैं यहाँ गंदगी करोगे, यहाँ साफ सफाई आपसे होगी नहीं, वहाँ पहले से बना पड़ा, वहाँ साफ सफाई है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज मैं दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद हूं और यहां की जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज कद्दावर नेता हैं वंदना कुमारी। वंदना जी, अब सवाल यहां पर यह है कि आज जो मामला यहां हुआ है, मेरे साथ यहां के आम लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर आज जो घटना हुई है वो क्या घटना हुई है। और घटना ऐसी कि नारियल फोड़े गए, एक शुभ कार्य का उद्घाटन किया गया और ऐसे शुभ कार्य के उद्घाटन में जनता नाराज हुई, मामला पुलिस में पहुंचा, मुकदमा दर्ज हुआ, कलंदरा हुआ, क्या हुआ, इन सारी चीजों को लेकर हम आज बात करना चाहते हैं। इसको लेकर मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हैं कि ये सारे यहीं के लोग हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको दिखाऊँ, अपने सहयोगी को बनूंगा, दिखाएं कि किस तरह से ये जो जगह है यहाँ बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये अभी हम जो खड़े हैं पार्क की बाउंड्री, एक छोटा सा पार्क है और इसी में ये चार खंभे आप देख रहे हैं NDTL के, ये चार खंभे खड़े हुए हैं। इससे ये साफ तो नज़र आता है कि ये वाली जगह अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी NDTL ने अपने खंभे खड़े कर रखे हैं और इन खंभों का क्या काम है, क्या ज़रूरत उसकी हो रही है। इसके साथ अगर मैं यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करूँ और दूसरी तरफ और एक और दृश्य आपको दिखाऊँ कि आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी अगर आप साफ़ सफाई की शक्ल देखें, ये एक सरकारी ट्यूबवेल बना नजर आ रहा है और इसके साथ ही यह कूड़ा और गंदगी नज़र आ रहा है। इन सारी गंदगियों को लेकर विधायक हो या पार्षद हो, विकास कार्य करने चाहिए, वो करते हैं और जनता उन्हें सराहती भी है। अब सवाल यह है कि जब आज वंदना कुमारी जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या रहा, हम यहाँ से जानेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग महिला है, तो आए थे हार और लड्डू लेके, फिर ये चूने से इन्होंने निशान लगाया, हमने इतनी बात बोली, सब मिल के बोले कि ये दरवाजा देख लो और यहाँ लाइटिंग देख लो, कैसे बंद हम बैठेंगे, कैसे खाना खाएंगे। तो क्या ये कह रहे वो चार पांच जने आए थे लेकिन किसी ने वंदना खुद नहीं आई थी, खुद वंदना नहीं आई थी, तो कह रहे थे यहाँ तो लाइटिंग तो बनेगी बनेगी, मैंने कहा अच्छा बनेगी ना, तो जब वंदना आएगी तो बात करेंगे हम इनसे। वंदना जी आए उस दिन तो आई नहीं, आज फिर लड्डू इतने बड़े बड़े डब्बे लड्डू हार सब कुछ ले के आए, आई आके कहते वो रोक रहा था उस दिन, सारे खड़े थे, सबने कहा भाई हमने सबने रोका, जो हम यहाँ रहते हैं मजबूर, ये गंद तो तुम्हारे से उठाया नहीं जाता और लैटरिंग और बनाने आ गए, लैटरिंग नहीं बनेगी यहाँ, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, हमारे बता दो तो कोई रास्ता और है बता। तो चार घरों के, इन चार घरों के लिए मैं लैटरिंग थोड़ा छोड़ दूँगी बनवानी, इन चार घर मैंने कहा रोडले में आकर चार घर ही देते, मैं 33 घर है, 33 घर से 1000 रुपये तेरे चार बजे, हाँ वो ब्लॉक, ये ब्लॉक का पूरा हमारा था, तो मैंने कहा चार घर नहीं है, ये सारा ब्लॉक है, ये सारी दुनिया में 33 घर है, 33 घर में 1000 वोट है,
और एक वो चार वोट नहीं है, सोचो कि चार वोट। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अपने बुजुर्ग महिला है माता जी, उनसे सुना कि उन्होंने क्या बताया है। एक शौचालय के उद्घाटन की बात की जा रही है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आप तो सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर शौचालय की शुरुआत आखिर कैसे हो सकती है। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर चार खंभे खड़े हैं, और मेरे पीछे आप देखना है यहाँ पर एक जो है ट्रांसफार्मर का एक ये खंभा है, और यहाँ पर कितनी सी जगह है, कितनी सी जगह को लेकर शौचालय को प्राथमिकता दी जा रही है। अब मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कैमरा ऊंचा करके दूसरी साइड भी दिखाए, एक दूसरी साइड की तरफ देखेंगे आप, एक बहुत बड़ा उधर पार्क है जिसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। वहां पर जो लेटरिन या कोई बड़ा ऐसा कार्य करना सो किया जा सकता है, वहां पर ऑलरेडी शौचालय बना हुआ है। हाँ वो बने हुए हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई, उनको चालू नहीं है, वो बंद पड़ी है। एक सवाल सीधा सीधा नजर आता है, एक बगल में ही 10 कदम की दूरी पे एक और बड़ा पार्क है, वहां पर शौचालय बना है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो चालू नहीं है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर उसी को ही ठीक कर दिया जाए और सुविधाओं को भर दिया जाए तो शायद यहाँ इस पार्क की शौचालय वाली मांग शायद नहीं रहेगी। लेकिन आखिर यह बात विधायिका को समझ में क्यों नहीं आ रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी मंशा है? क्या लगता है कि यहीं पर शौचालय बनाने के पीछे क्या कुछ और समझ में आता है? बिल्कुल आता है, वो वहाँ पर पानी नहीं है, शौचालय ऑलरेडी बने पड़े हैं, वहाँ पानी नहीं है, कोई डब्बे नहीं है, कोई सब दरवाजे टूटे पड़े हैं, यहाँ बना रहे हैं, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, यहाँ यहाँ ब्लॉक वाले कहाँ जाएंगे, ये झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे, कोई मर जाए तो यहाँ लिटाते हैं, कोई चौकी भजन कीर्तन होते तो इसमें होते हैं। समाज के लिए एक सरकार का एक रुपया खर्च के बिना खाली पार्क है, जिसको समाज के खुद लोग अपने हिसाब से जब प्रोग्राम होता है तो यहाँ की सफाई भी ये खुद ही कर लेते हैं, या कोई धार्मिक कार्यक्रम आता है, नौराते आते हैं, या फिर कोई मौत मैया तो कोई खुशी का दिन होता है, तो एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर इस तरह का इंतजाम भी कर लिए जाते हैं। मैं और ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर जो शौचालय बनाने को लेकर आपने जब मना किया, जवाब आया कि क्या मैं चार घरों को लेकर नहीं रुकूंगी, मेरे को उसने ये जवाब दिया तुमको बोल मत, जैसे बोलेगा कोई मतलब नहीं, मैं क्यों, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ क्या, मेरा घर नहीं है क्या, मैं क्या ना बोलूँ। फिर मैं ये तो सारी काम पे गई हुई थी, मैंने कहा सारी आ जाएंगी ना लेडीज तब आके बात करना, क्या रे हम किसी से बात नहीं कर, मैं चार घरों के लिए लाटी छोड़ूंगी, बनवाऊंगी, यही बनवाऊंगी, मेरा पार्क है, मेरे अंदर पार्क है। इसके अलावा आज जो मामला हुआ है तो शौचालय की जबरदस्ती वाली बात है कि विधायिका चाहती है कि शौचालय बने और आप लोग चाहते हैं कि ना बने, ठीक है, तो वो शौचालय आखिर बनेंगे किसके लिए? अब दूसरा सवाल यह है कि जब वो आई थी तो यहाँ पर नारियल फोड़ा गया उद्घाटन का, उसके बाद मामला जो पुलिस का जो बना वो क्या होगा? पुलिस का मामला ये बना कि वो हाथापाई में उतर आए थे, उसके साथ चार पंजे थे, वो हाथापाई में उतर आए थे, एक लड़के को ये इसका गले बांध पकड़ा, इसको ये देख लो इसका फटा हुआ, एक लड़की का गले बांध पकड़ के धक्का दिया, ब्लॉक वाले और बच्चों को मारने शुरू कर दिया, जब बच्चों को मारना शुरू कर दिया पुलिस वाले को बुलाना ही बुलाना था। मारने की वजह क्या समझ में, क्यों मारा? वजह यह थी कि गाली गलौज करने लग गए थे इनके बड़े भाई से, नारियल नहीं तोड़ने दिया। मतलब अगर किसी कार्य का उद्घाटन हो रहा है, उस उद्घाटन से लोग नाखुश थे, तो उस कार्यक्रम के लिए सवाल जवाब जनता ने विधायिका से किया, क्या ये सवाल जवाब विधायिका से करना क्या हाथापाई को उकसाता है, या हाथापाई करने की जरूरत महसूस होती है? इसी को लेकर हम ऑल पक्ष जानेंगे कि जब आप लोग रोक रहे थे तो ये हाथापाई किसने शुरू करी? सर एक तो पहले बात ये है कि अगर आपको वॉशरूम बनवाना ही है, वो बकायदा वॉशरूम पार्क में बना हुआ है, उसकी साफ सफाई में कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो गंदा है तो गंदा है, और अगर वहाँ आप ठीक ठाक से कुछ नहीं कर सकते और इधर बनाने का फायदा क्या आपका, फिर अगर झुग्गी बनवाने का मकसद है आपका, गरीब लोग कहते हैं यहाँ गंदगी करोगे, यहाँ साफ सफाई आपकी होगी नहीं, वहाँ पहले से बना पड़ा, वहाँ साफ सफाई है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इस बारे में तो शल बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ छोटे मोटे घर हैं सारे, आगे सारे स्मेल आएगी तो ये तो फिर होगा नहीं, और आगे यहाँ पर है तो आप इसको ठीक करवाओ, इसमें अच्छे से वॉशरूम बनवाओ, इसमें अगर सीवर लगवा के जो भी लगवा के पानी की सुविधा हर चीज़ की सुविधा कर सकते हो आप उसको गंदगी में छोड़ के आगे फिर यहाँ गंदगी करोगे तो फिर ये सर कोई दूसरा नहीं करेगी। शौचालय की निधर ना बने इसके लिए एक भी आदमी राजी, सब कोई राजी नहीं है।
सवाल मैंने इसलिए पूछा कि विधायिका ने जो इनको ये कहा कि मैं तुम चार परिवार के लिए शौचालय का काम नहीं रोकूंगा। अपने पास से सारी बनावटी बातें करती है, सारी झुग्गी खिलाफ, सेवा बस्ती वाले सारे खिलाफ है इसके, सारा ब्लॉक खिलाफ है। देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक तो ये होता है कि किसी सरकारी काम जब किया जा रहा है और एक दो परिवार जब आते हैं तो उस काम के लिए उन परिवारों को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी परेशानी को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर तो वो वाली बात पूरी फिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो यहाँ रहता है या दूर रहता है, कि वो ये चाहे कि छोटे से टुकड़े में कोई शौचालय बने। क्योंकि यहाँ पर शौचालय की भी अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 शौचालय यहाँ की 10 सीट से बड़ा या 8 सीट से बड़ा कोई शौचालय इस छोटे से पार्क में बन पाएगा। और विकल्प के तौर पे इतना बड़ा पार्क है जहाँ पर वो 50 सीट 70 सीट का एक बड़ा शानदार खूबसूरत शौचालय बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल लोग यहाँ के रहने वाले ही नहीं, आम चलते हुए लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रोड का एक हिस्सा होगा। इसके अलावा ये जानना है कि जब ये सारा मामला पुलिस में पहुंचा है, विधायिका का क्या रुख रहा, विधायिका क्या सोच रही है, क्या लगता है कि ये शौचालय बनवाने के पीछे झुग्गियों को तोड़ना या ये बनवाने का काम जबरदस्ती किया जाएगा? देखो सबसे पहली तो बात ये है कि केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं जनता से पूछ के करते हैं, तो यहाँ तो जनता नाराज है इस टाइम, यहाँ पे झूठ होती है। केजरीवाल साहब ये पहले तो झूठ यही बोल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक धार्मिक जो है वो नवरात्रि वगैरह जो होते हैं वो धार्मिक जगह, जाहिर आज यहाँ से कहाँ जाएगा अगर यहाँ पे वो करेंगे तो धार्मिक जगह वो काम कैसे होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है यहाँ पे, वो जनाजा वो यहाँ पे वो कहाँ रखेंगे? फिर उसके बावजूद यहाँ पे इन लोगों का रास्ता दूसरा है ही नहीं, यही रास्ता है। उसके बावजूद यहाँ पे झुग्गियों में एक सिलेंडर फटा था और उसके बावजूद जो है भागने की जगह नहीं थी। अगर कल को यहाँ पे अगर कोई बात ऐसी हो जाती है तो बहुत घना एरिया हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदार उसका जिम्मेदार कौन है? फिर उसके यहाँ पे जो लोग रहते हैं या महिला रहती है औरतें रहती हैं, उसके सामने ही अगर आप लैटरिन अगर बनाओगे तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? दूसरा रास्ता ही नहीं है। सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए शौचालय बनाना, अब शौचालय जब बनाया जाएगा तो विधायिका या अधिकारी का ये कहना है कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर अगर हम शौचालय बना रहे हैं और आपने रास्ते इधर की तरफ ले लिए हैं तो इसमें सरकारी की गलती नहीं थी, इसमें आप लोगों की गलती है, इसका क्या जवाब रहे? ये शुरू से रास्ता मेरा इधर, आज मुझे 82 की मैं रह रही हूँ, मेरा रास्ता यही है शुरू से। याची से आप इसी रास्ते से जा रही हैं और ये जब से ही ऐसी खाली पड़े नहीं कि ये दीवारें आप बनवाई हैं, जब कहते जी डी ए का पार्क है, अब कहते सिटी का पार्क है, ये पार्क है किसका पता नहीं, अभी थाने में क्या कहते हैं बच्चों का पार्क है, कि बच्चों के झूले लगवाओ, बच्चों के खेलने का जगह करो, तो बच्चों का पार्क बच्चों को छोड़ दो, फिर जो लाठी बना रहे तो ऑलरेडी 85 थे वहाँ पे पहले है, हाँ जो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी की नहीं, दरवाजे नहीं, डब्बा नहीं, समरसिबल नहीं, उसको ही क्यों नहीं ठीक करते विधायक जी अंदर द्वार। एक सवाल मैं दर्शकों से सीधा करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि आपने सबकी बात सुनी और समझी कि किस तरह से लोग अपनी नाराजगी इलाके की विधायिका वंदना कुमारी से कर रहे हैं कि एक इतने बड़े पार्क में शौचालय बनाया, टेम्परेरी हालत में पड़ा हुआ है, उसको बनाए सुंदर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। एक छोटे से पार्क में फिर शौचालय की मांग को लेकर आ जाना, लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पे यह जनता के खिलाफ का मामला नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि अगर ये सरकारी जमीन भी है और इस पर सरकार कुछ करना चाहती है तो इसको एक इस तरह का रूप दिया जाए कि लोगों के आने जाने का भी रास्ता बना रहे और एक सुंदर खिलता हुआ पार्क बने, झूले लगे, बच्चों का मनोरंजन का एक जगह बन जाए जिसमें बच्चे आए, महिला आए सुबह दिन में और अपना वक्त यहाँ बिताएं और लोगों को अपना जो आना जाना करना है वो भी हो जाए, तो वो दोनों काम भी किए जा सकते हैं। लेकिन वंदना जी को आखिर कौन समझाएगा या वंदना जी को कैसे ये बात समझ में आएगी, एक सवाल है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि वंदना जी से भी ये सवाल हम करेंगे कि आखिर इस छोटे से पार्क को लेकर शौचालय बनाने की मांग पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है। इलाके के और भी कई लोग हैं, मैं एक सवाल और उनसे लेता हूँ फिर इस खबर को बंद करूंगा। यहाँ का जो आज सुबह से आप देख रहे हैं कि क्या मामला रहा है,
छोटी सी बात में जानना चाहता हूँ कि ये जो नारियल फोड़ा गया, अधिकारी आए, पुलिस का भी मामला गया, ये सारे मामले कितने सही देख रहे हो, किस तरह से देखा है आप? मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ, सेवा बस्ती का चेयरमैन हूँ। 3 दिन से धंधा चल रहा है, उनको हमने समझा बुझा कर भेज दिया है। यहाँ पे जो घर रहते हैं यहाँ पे कोई जागरण, कोई मरना जीना कुछ भी हो जाता है तो ये कहाँ जाएंगे? कोई हादसा हो जाए तो कहाँ मक्के निकलेंगे? आप यहाँ कहते बढ़ा रहे हो, यहाँ इतना बड़ा पार्क हो, वो बड़ा सामने उसमें बढ़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सुबह से आपके आप यहाँ इतना हंगामा करते रहे, तो पुलिस कंप्लेन ले, ये ले, फलाना ले, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में यहाँ गरीब आदमी को परेशान किया। राजनीति चमकाने के चक्कर में मैं तो ये देख रहा हूँ कि चुनाव का दौर चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, और ऐसी स्थिति में क्या वंदना जी अपने सांसद प्रत्याशी को लेकर आपके पास वोट मांगने के लिए आ पाएंगी? नहीं, यहाँ कैसे वोट मांगने आ जाएंगी, जब वहाँ पहले ही विरोध करवा लिया अपना उसने, तो सांसद कहने लगे, सांसद आ गए उसका विरोध हो गया यहाँ पे। पहले वंदना कुमारी दूसरी थी, अब वंदना कुमारी दूसरी है। अब ये लोगों पे थोपने वाली बात है, दादागिरी करने वाली बात है। अब केजरीवाल साहब कहते हैं कि पहले हम तो सारा काम पूछ के करते हैं, अब यहाँ पे जनता सारी नाराज है, तो ये कैसे हो जाएगा? वंदना कुमारी वो वंदना कुमारी नहीं है जो पहले वाली वंदना कुमारी थी। एक जो ना शौचालय बना हुआ, उसका कार्य आप बढ़िया तरह कर दो, अगर करना है तो आप तो ये थोपने की क्या जरूरत है, ये तो जबरदस्ती थोप रहे हो आप। आप जो ना कुछ गरीब लोग जो रहते हो झुग्गी झोपड़ी में, आप उनका रास्ता बंद कर रहे हो, आप उनको गंद जो ना सूंघने के लिए कह रहे हो कि ये गंदे में रहो। अगर कोई आदमी बॉडी अगर कोई आदमी खत्म होता है वो कहाँ जाएगा? अगर ये अपना धार्मिक काम करते हैं, वो लोग धार्मिक काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? और रास्ता कम से कम 20-25 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, यही रास्ता है उनका, वो कहाँ जाएंगे वो लोग? वंदना कुमारी विधायिका से वंदना करना चाहता हूं, और यहां के लोग भी वंदना कर रहे हैं कि ये जो मांग आपकी शौचालयों को लेकर है, इसको ना रखें, और इस तरह की मांग, इस तरह की राय शुमारी की जाएगी जिससे जनता को मालूम चलेगी और आपको मालूम चलेगी जनता आखिर चाहती क्या है, किस तरह के विकास कार्यों को वो पसंद करती है, ताकि आपका भी और जनता का भी दोनों का भला विकास हो सके। चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव के दौर में ये एक बड़ी चुनौती का सामना इलाके की विधायिका वंदना कुमारी जी को करना पड़ सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की खास रिपोर्ट।